हेलो पिला माने, आमे माने पूर्वरु निद्दा गोलक एवं फंपा गोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल एवं घनफल सम्बन्धे जानिछे। ताहले आसो आज आमे अर्धगोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल एवं घनफल सम्बन्धे जानिबा एवं गोलक सम्बन्धीय केतेक प्रश्नर समाधान करिबा। ताहले आजर आलोच्य विषय हेउछि अर्धगोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल ओ घनफल एवं गोलक सम्बन्धीय केतेक प्रश्नर समाधान। ताहले आस पिलाए अर्धगोलकर संज्ञाटी को जानि नबा। संज्ञाटी हेला निद्दा गोलकर केन्द्र मध्य देई अंकित समतल उक्त निद्दा गोलक को एक वृत्ताकार क्षेत्र रे छेद करे। एही वृत्ताकार क्षेत्र ओ समतलर एक पार्श्वरे थिबा निद्दा गोलकर बिंदु मानंकर संयोगरे गठित सेट को एक अर्धगोलक कहा जाए। पिलाए एठारे लक्ष्य कर, मु एक बॉल नेछि जहा कि निद्दा गोलकर एक उदाहरण। एहा को जदि आमे समान दुई भाग करी काटि दबा ताहाले देखो पिलाए वर्तमान आमे दुईटी अर्धगोलकर एहा परिणत होइगला। ताहाले कहिला पिलाए एही अर्धगोलकर केतोटी पृष्ठतल रहिछि? हाँ, दुईटी पृष्ठतल रहिछि जहा कि एक वक्रतल एवं एहा एक वृत्ताकार समतल पृष्ठ। पिलाए एठारे लक्ष्य कर, एहा एक अर्धगोलकर चित्र। एठारे एहा हेउछि वक्रतल एवं एहा हेउछि अर्धगोलकर आधार। एठारे केन्द्रबिंदु ओ एवं व्यासार्ध आर। ताहले आमर व्यासार्ध होला आर एकक। ताहले आस पिलाए आमे माने अर्धगोलकर वक्रतलर क्षेत्रफल निर्णय करिबा। तुम्हें माने आगरु निद्दा गोलकर वक्रतल क्षेत्रफल जानिछ जहा कि 4πr². ताहले अर्धगोलकर वक्रतलर क्षेत्रफल यार ठीक अधा। ताहले अर्धगोलकर वक्रतलर क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 4πr² / 2 इज इक्वल्स टू 2πr² वर्ग एकक। ताहले एठारे लक्ष्य कर पिले एहार आधार आमे माने आगुरु जानिले एहा एक वृत्ताकार पृष्ठ। ताहले तुम्हें माने पूर्वरु जानिछ वृत्तर क्षेत्रफल हेउछि πr². ताहले एहार आधारर क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू πr² वर्ग एकक। वर्तमान आमे अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल निर्णय करिबा। जेहेतु आमे माने आगरु जानिले एहार दुईटी पृष्ठतल रहिछि ताहले आम मानंकु समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल निर्णय करिबाकु हेले वक्रतलर क्षेत्रफल सह आधारर क्षेत्रफळकु जोग करिबाकु हेबो। ताहले एहार समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2πr² प्लस आधारर क्षेत्रफल πr² इज इक्वल्स टू 3πr² वर्ग एकक। ताहले वर्तमान अर्धगोलकर घनफल निर्णय करिबा। आमे माने पूर्वरु जानि सारिछे निद्दागोलकर घनफल हेउछि 4/3πr³। ताहले अर्धगोलकर घनफल यार ठीक अधा। ताहले अर्धगोलकर घनफल इज इक्वल्स टू 1/2 4/3πr³ इज इक्वल्स टू 2/3πr³ घन एकक। ताहले आस पिलाए गोलक सम्बन्धीय गोटे प्रश्नर समाधान करिबा। प्रश्नटी हेला गोटे गोलकर
पृष्ठतळर क्षेत्रफळ 5544 वर्ग सेमी हेले एहार आयतन निर्णय कर। समाधान पिलाए एठारे गोलकर पृष्ठतळर क्षेत्रफळ दत्त अछि। ताहले प्रथमे आमे नबा मने कर गोलकर व्यासार्ध इज इक्वल्स टू आर सेमी। ताहले आमे माने आगर जानि सारिछे गोलकर पृष्ठतळर क्षेत्रफळ 4πr² गोलकर पृष्ठतळर क्षेत्रफळ इज इक्वल्स टू 4πr² वर्ग सेमी। एठारे दत्त अछि पृष्ठतळर क्षेत्रफळ 5544 वर्ग सेमी। ताहले प्रश्न अनुसार कोण हबो? प्रश्न अनुसार 4πr² इज इक्वल्स टू 5544 वर्ग सेमी। ताहले 4 × π रो मूल्य एठारे आमे 22/7 नेले 4 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 5544। दैट इम्प्लाइज r² इज इक्वल्स टू 5544 × 7/4 × 22 इज इक्वल्स टू आमे पाइले 441। दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 441 रो रूट इज इक्वल्स टू 21 सेमी। ताहले आमे व्यासार्ध पाइले r इज इक्वल टू 21 सेमी। ताहले वर्तमान गोलकर आयतन निर्णय करिबा। अतएव गोलकर आयतन जहाँकि आम मैंने आगर जाने 4/3 πr³ घन सेमी। वर्तमान आम व्यासार्ध निर्णय कले जहाँकि 21 सेमी। ताले 4/3 × π रो मूल्य एठारे नेले 22/7 × r 21 रो क्यू इज इक्वल्स टू 4/3 × 22/7 × 21 × 21 × 21 इज इक्वल्स टू 4 × 22 = 88 × 7 गठरे आमे काट देले आमे पाइबा 441 इज इक्वल्स टू 38808 घन सेमी। उत्तर ताहले आस पिलाए आउ एक प्रश्नर समाधान करिबा। प्रश्नटि हेला गोटिए फंपा धातव गोलकर अंतः व्यासार्ध 3 सेमी ओ बहिर्व्यासार्ध 6 सेमी प्रति घन सेमी धातुर वस्तुत्व 8 ग्राम हेले तार वस्तुत्व निर्णय कर। एठारे पाई रो आसन्न मान 22/7 दत्त अछि। समाधान पिलाए फंपा गोलकर एठारे अंतः व्यासार्ध दत्त अछि 3 सेमी। ताहले मने कर फंपा गोलकर अंतः व्यासार्ध स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3 सेमी एवं बहिर्व्यासार्ध इज इक्वल्स टू कैपिटल r इज इक्वल्स टू 6 सेमी। ताहले वर्तमान फंपा गोलकर आयतन निर्णय करिबा। आमे माने आगर जानि सेछे फंपा गोलकर आयतन हेउछि 4/3 πr³ कैपिटल r क्यू माइनस स्मॉल r क्यू। ताहले
ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ଆୟତନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/3 ପାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/3। ଏଠାରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି 22/7 ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ କ୍ୟୁ 6ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ କ୍ୟୁ 3ର କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/3 ଇଣ୍ଟୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ 6ର କ୍ୟୁ 216 ମାଇନସ୍ 3ର କ୍ୟୁ 27 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/3 ଇଣ୍ଟୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ 189 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 792 ଘନ ସେମି। ଆମେମାନେ ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଛେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦତ୍ତ ଅଛି ପ୍ରତି ଘନ ସେମି ଧାତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 8 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆୟତନ କେତେ ପାଇଛେ 792 ଘନ ସେମି। ଅତଏବ 792 ଘନ ସେମି ଧାତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 8 × 792 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 6336 ଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 6.336 କିଗ୍ରା। ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନିଦା ସୀସା ସମଘନରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଲକ କାଟି ନିଆଗଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶର ଆୟତନ 12,870 ଘନ ସେମି ହେଲେ ସମଘନର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏଠାରେ ପାଇର ଆସନ୍ନ ମାନ 3.14 ଦତ୍ତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାଏ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ ପିଲାଏ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହା ଏକ ସମଘନର ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ବୃହତ୍ତମ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗୋଲକକୁ କାଟି ନିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ? ସମଘନର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହାକି ଗୋଲକର ବ୍ୟାସ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେବା, ମନେକର ସମଘନର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ସେମି। ଅତଏବ ସମଘନର ଆୟତନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ଘନ ସେମି। ଏଠାରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସମଘନର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2R ହବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ a/2। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାଏ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଗୋଲକର ଆୟତନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ। ଏଠାରେ ଆର୍ a/2। ତାହେଲେ 4/3 ପାଏ a/2ର କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ପିଲାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 4/3 ପାଇ a/2ର କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 12,870। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍
क्यू माइनस चार बाई तीन एटारे पायर आसन मान दत्त अच्छे तीन दशमिक एक चार इंटु तीन दशमिक एक चार इंटु ए क्यू बाई आठ इज इक्वल्स टू बार हजार आठश सतुरी दैट इम्प्लाइज ए क्यू माइनस एक दशमिक पाँच सात ए क्यू बाई तीन इज इक्वल्स टू बार हजार आठश सतुरी दैट इम्प्लाइज तीन ए क्यू माइनस एक दशमिक पाँच सात ए क्यू इज इक्वल्स टू तीन गुणन बार हजार आठश सतुरी दैट इम्प्लाइज एक दशमिक चार तीन ए क्यू इज इक्वल्स टू तीन गुणन बार हजार आठश सतुरी दैट इम्प्लाइज ए क्यू इज इक्वल्स टू तीन गुणन बार हजार आठश सतुरी बाई एक दशमिक चार तीन इज इक्वल्स टू सतैश हजार दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू सतैश हजार रूट क्यू इज इक्वल्स टू तीस सेमी अतएव समघनर बाहुर दैर्घ्य इज इक्वल्स टू तीस सेमी उत्तर ताहले पिलाए आज आम कौन शिखिले अर्धगोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल और घनफल निर्णय सूत्र जानिले एवं गोलक सम्बन्धीय केतेक प्रश्नर समाधान कले ताहले आज पाई एतिकी बाय बाय।